नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा। शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। ये बात रीवा के लिए एक मजाकिया चुटकुला साबित होता दिख रहा है। हम बात कर रहे हैं रीवा में 1857 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में 100 वर्ष के बाद 1957 में निर्मित शहीद स्मारक का, जहां जय स्तंभ को अपने चहेतों बिल्डर को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से स्थापित करने की साजिश सत्ता के विधायक कर रहे हैं। इतिहास की ऐसी विरासतों का व्यापारिक लाभों के लिए स्थापित किया जाना बेहद दुखद है। इस साजिश की जानकारी लगते ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के मीसाबंदी रहे पुत्र समाजवादी आंदोलन के अगुआ अजय खरे ने घोर आपत्ति दर्ज कराई है और अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जय स्तंभ का कोई विकल्प नहीं हो सकता। श्री खरे ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिल्डर को लाभ देने के लिए, मुख्य स्तंभ को हटाने के लिए और जेपी सीमेंट फैक्ट्री के प्रचार प्रसार करने के लिए समानांतर जय स्तंभ बनाया गया। इसके साथ ही श्री खरे ने कहा कि उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग में अभी तक किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होती थी और वर्षों से आवागमन सुचारू रूप से चलता था, लेकिन गवर्नमेंट प्रेस की जमीन को साजिश रचकर बिल्डर को दे दिया गया और अब उसी बिल्डर को लाभ पहुंचाने के लिए शहीदों को अपमानित करने की साजिश रची गई है। श्री खरे ने कहा कि हर संभव इसका विरोध करेंगे। आपको बताते चले कि विगत दिनों जय स्तंभ चौक में खूबसूरत फव्वारे चला करते थे, जिसे देखकर सहसा ही यहां से निकलने वालों को शहीदों की यादें ताजा हो जाती थी, लेकिन साजिश कर इन्हें बंद कर दिया गया। वहीं अब मूल जय स्तंभ को भी विस्थापित करने की साजिश रची जा रही है। श्री खरे ने कहा कि शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी है कि हमारी धरोहर को सुरक्षित करे, लेकिन उन धरोहरों को ही नष्ट किया जा रहा है। आइए सुनाते हैं अजय खरे ने क्या कहा। यहाँ पर बना जय स्तंभ चौक, ये हटाने की कुछ योजना चली, किस तरह से साजिश रची जा रही है, कब से बना हुआ था, क्या मानते हैं आप? ये तो आजादी के आंदोलन का प्रतीक है और इसको साजिश तो बहुत दिनों से चल रही है रचने की, लेकिन इसको अंतिम रूप अभी दिया जा रहा है। साजिश तो जब ये नकली जय स्तंभ इसके समानांतर बना दिया गया जेपी सीमेंट के द्वारा, जिसका प्रचार होता है, तो इससे बड़े आकार में उसको बना दिया गया और जो असली जय स्तंभ जो पीछे है, तो वो अस्तित्व उसका शुरू से खतरे में देखिए, उसके चारों तरफ किस ढंग से उसके ऊपर वो दिखता ही नहीं है किसी को, उसका अस्तित्व ही नहीं दिखता है। तो साजिश तो ये करीब 10-15 साल से चल ही रही है और अभी जो है उसको अंतिम रूप देने के लिए एक वहाँ ले जा रहे हैं। इसको पता चला पंजा पार्क में, वहाँ उसकी प्रतिकृति तैयार हो गई है और हमारा ये कहना कि ऐतिहासिक चीज़ों को, धरोहर को बचाना है, उनको मिटाना नहीं है, उनको हटाना नहीं है, उनको कहीं रिप्लेस नहीं करना है। कोई वस्तु नहीं है कि आप उठा के यहाँ से वहाँ रख दिए, ये हमारे स्मृति चिन्ह हैं जिनको बदलने की ज़रूरत नहीं है, जो जहाँ है वहीं रहेगा। तो इसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और इस मुद्दे को बराबर उठाने के लिए, क्योंकि लोगों को, बहुत लोगों को तो मालूम ही नहीं है, पुराने लोग तो सब जानते हैं, पूरे रीवा में इसकी जब उस दिन खबर लगी तो लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन नई पीढ़ी को मालूम ही नहीं है कि जय स्तंभ क्या है, इसका कब ये रखा गया, इसका शिलालेख कब बनाया गया, इसका इतिहास क्या है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 में, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर वगैरह इन लोगों की शहादत हुई, उन तमाम हजारों लाखों लोगों की कुर्बानी, उनको याद करने के लिए जब 100 साल हुए, हम आज़ाद हो गए 1947 में, तो 1957 में इसको 100 साल में उसकी शताब्दी समारोह पूरे देश में मनाया गया और जितने भी विकास खंड देश में थे, हमको लगता है करीब करीब 1000 से ऊपर होंगे सारे विकास खंडों में, और सड़कों पर, मुख्य सड़कों पर जहाँ जैसी सड़कें थी, इसको भी राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थापित किया गया था, तब कोई अतिक्रमण का सवाल नहीं था, उसके लिए जगह बनाई गई थी, और आज इसके चारों तरफ अतिक्रमण हो गया है और अतिक्रमण के नाम पे इसको हटाया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और विडंबना क्या होगी कि देश की इसमें आज़ादी के आंदोलन का 1947 में हम जो आज़ाद हुए उसकी 75वीं समारोह मनाया जा रहा है, उस मौके पर मोदी जी भी बोल रहे हैं कि हम अमृत महोत्सव मनाएंगे, और अमृत महोत्सव के मौके पर
इसको हटाने का जो दुष्चक्र है अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ देखिए कि यहाँ पर कोई कुछ करते ही नहीं है कोई कार्यक्रम, जबकि अभी 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का और देश के तमाम लोगों का जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है उनको याद करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। करीब 11 बजे हम लोगों ने 2 मिनट का मौन लिया था तो यहाँ देखा कि चारों तरफ ट्रैफिक चल रहा है। यहाँ विधायक, यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष सब चल रहे थे तो हमको तकलीफ हुई कि जब 2 मिनट का मौन था तो मध्य प्रदेश सरकार ने सर्कुलर जारी किया इस मौन को रखने के लिए कि जो जहाँ होगा वहाँ 2 मिनट खड़ा रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि यहाँ हम लोग खुद देख रहे थे कि यहाँ से वो आवागमन जारी था और जिम्मेदार लोग जो सरकार में बैठे लोग हैं वो लोग खुद उसका पालन नहीं कर रहे थे। इसको लेकर हम लोगों को बड़ी पीड़ा है, तकलीफ है कि रीवा में इस सवाल पर अभी तक 8-8 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, एक सत्तारूढ़ दल में बैठा हुआ है, एक विपक्ष में बैठा है, लेकिन दोनों इस सवाल को लेकर कोई मुखर नहीं है। ये बड़ी ठीक है कि रीवा में विरोध का कोई विधायक नहीं है, लेकिन सत्तारूढ़ दल वालों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ कहीं गलत होता हो वहाँ वो बोलें। इसलिए नहीं होता यदि विपक्ष नहीं होगा तो क्या जनता के सवाल नहीं उठेंगे? एक बुनियादी सवाल है और ये तो देश की आज़ादी का प्रश्न है, उनसे जुड़े सवालों का प्रश्न है, उसकी इतनी बड़ी अनदेखी हो रही है, हमको तकलीफ होती है। हमारे जैसे लोग इस सवाल को उठा रहे हैं, लोगों की भावनाएं हैं, पुराने लोग करीब करीब बिल्कुल इस बात को लेकर उनको काफ़ी तकलीफ है कि ये जयस्तंभ क्यों हटाया जा रहा है। और यहाँ जो पीछे इमारत दिख रही है वो नई इमारत है। हमारा यहाँ रीवा के इतिहास में गवर्नमेंट प्रेस का बहुत महत्व था, वो हमारा छापा खाना था, रीवा का इतिहास था, सरकारी था, पूरे प्रदेश की चीज़ें यहाँ प्रकाशित करती थी, प्रकाशन होता था और इसका ऐतिहासिक महत्व था। इसको जैसे सिरमौर चौराहा में बस स्टैंड में जिसम से सौंदर्या को लाभ पहुँचाने के लिए सरकारी ज़मीनों का आवंटन हुआ, कहीं गरीबों को जाड़ा गया उसके जगह उनको फिर सरकार ने दिया, सरकार ने सौंदर्या को सौंप दिया। पहले बस स्टैंड में हुआ, नए बस स्टैंड में, फिर सिरमौर चौराहा में हुआ, वहाँ पूरी सरकारी ज़मीन करीब 5 एकड़। कुल मिलाकर सौंदर्या को लाभ देने के लिए ऐतिहासिक शहीदों का अपमान करने की तैयारी में है, तैयारी चल रही है। और यहाँ पर जो है वही है कि सौंदर्या को जो भी दे दिया गया है पूरा बन गया है और यहाँ उसके चलते कितनी दुकानें बनेंगी और उसका जो रोड का मैप ठीक हो जाए इसके लिए ये सब हो रहा है। तो यहाँ जितना अतिक्रमण है तो वो कोई अतिक्रमण आप नहीं हटा रहे, ट्रैफिक की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। यहीं पर पेट्रोल पंप भी जो बना है वो भी गलत है, पेट्रोल पंप यहाँ पास में दूसरी जगह भी है, लेकिन ये भी हमको लगता है कि ये भी यहाँ इसके कारण भी जाम लगता है। लेकिन सारा जो दोषारोपण होता है कि वो जयस्तंभ के कारण हो रहा है, जबकि यहाँ पर नेशनल हाईवे थी ये और अभी भी पुराना नेशनल हाईवे है जय, और यहाँ जब बनाया गया तो बहुत दूर का सोच के बनाया होगा, तब उस समय भारी भरकम गाड़ियाँ निकलती थी, आज वो स्थिति नहीं है। आज बाईपास बन गया है तो यहाँ से वो ट्रैफिक नहीं है, जो एक जमाने में ट्रक बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाती थी वो सब नहीं है। कौन कौन से ऐसे शहीद थे जो लड़ाई लड़े देश की आज़ादी के लिए जिनका यहाँ पे जयस्तंभ बनाया गया था? ये पूरे देश के एक आदमी का नाम नहीं है, ये हजारों लाखों लोगों की स्मृति में बना है, वही रीवा के आदमी के लिए भी बना है। जैसे जेपी सीमेंट वाले ने यहाँ का शहीद का दिखा दिया है, लेकिन जो देश के तमाम शहीद हैं हजारों लाखों की संख्या में उनकी स्मृति में प्रतीक चिन्ह है। यदि एक भी जयस्तंभ टूटता है तो पूरे शहीदों का, लाखों शहीदों का अपमान होगा, जिसका हम विरोध करेंगे। और हम चाहते हैं कि जो वहाँ प्रतिकृति बनी है उसको संग्रहालय में भेज दिया जाए, वो पंजा पार्क में उसको नहीं रखा जाए, क्योंकि जयस्तंभ केवल एक रहेगा, वो सोने की भी प्रतिकृति होगी, वो इसकी जगह नहीं ले सकती। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।